हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीताज होमली रेसिपीज। मैं हूं नीता। आज हम गुड़ और केले से एक ऐसी चीज बनाएंगे जो महाराष्ट्र में सावन के महीने में अक्सर बनाई जाती है, और जब गणपति बाप्पा घर घर में विराजमान होते हैं तब भी ये रेसिपी उनके प्रसाद के लिए बनाई जाती है। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ दो पके हुए केले लिए हैं। उनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और थोड़ा सा मैश करके हम इसे एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देंगे। फिर एक पैन में हम एक कप बारीक कटा हुआ गुड़ लेंगे। उसमें हम 3 कप पानी डालेंगे। जिस कप से गुड़ लिया था बस उसी कप से हम पानी नाप के डालेंगे, और आगे जो जो चीजें इसमें यूज करेंगे वो सब इसी कप से नाप के डालेंगे, तो फिर गलती होने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। पैन को मैंने गैस पे रख दिया है ताकि पानी गर्म हो जाए और गुड़ पिघल के अच्छी तरह से पानी में घुल जाए। हमें कोई चाशनी नहीं बनानी, बस गुड़ पिघल जाने तक ही पानी को गर्म कर लेना है। अब गुड़ पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो पैन को मैं गैस से हटा देती हूँ और साइड में रख देती हूँ। अब मैंने गैस पे एक कढ़ाई गरम कर ली है, और जिस कप से मैंने गुड़ लिया था बस उसी कप से मैं 1 कप घी लूंगी। लेकिन सारा घी एक साथ कढ़ाई में नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बचा के रखेंगे, इसे हम बाद में यूज कर लेंगे। वैसे आप चाहो तो घी थोड़ा सा कम भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं ये रेसिपी प्रसाद के लिए बना रही हूँ तो घी बराबर मात्रा में लूंगी। बाकी जब भी मैं ये चीज नाश्ते के लिए बनाती हूँ तो घी थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल करती हूँ। अब घी में हम डालेंगे 1 कप दलिया, मतलब लापसी। ये गेहूं की होती है और मार्केट में एकदम आसानी से मिल जाती है। लेकिन लापसी घी में डालने से पहले हमें चेक करना होगा कि घी बराबर गर्म हुआ है कि नहीं। उसके लिए मैं ये थोड़े से लापसी के दाने घी में डाल कर देखती हूँ। आपने देखा कि लापसी फूल के तुरंत ऊपर आ चुकी है, मतलब घी सही से गर्म हुआ है। तो मैं ये 1 कप लापसी घी में डाल देती हूँ। अगर समझो घी ठीक से गर्म नहीं है और उसमें हम लापसी डाल देंगे तो वो ठीक से फूल के ऊपर नहीं आएगी, फिर खिली खिली नहीं बनेगी, थोड़ी सी चिपचिपी बनेगी, इसलिए घी को चेक करना जरूरी था। गैस को हम एकदम धीमी रखेंगे और दलिये को हम कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए फ्राई कर लेंगे। लापसी को ऊपर नीचे करते हुए ऐसे ही भूनते रहिए, बिल्कुल ध्यान से फ्राई करना है। लापसी को पैन में छोड़ के इधर उधर मत जाइए, क्योंकि थोड़ा सा भी ध्यान हट जाएगा तो लापसी जल भी तो सकती है ना, इसलिए। अब देखिए लापसी का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, तो इस स्टेज पर मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। काजू और बादाम लिए हैं मैंने थोड़े से। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, उनकी मात्रा भी आप अपने अनुसार रख सकते हैं। इसमें हमने जो चीजें मिलाई है, जैसे घी है, केले है, फ्रेश नारियल के टुकड़े है, उससे ये जो प्रसाद बनेगा वो इतना स्वादिष्ट बनता है, आप बना के देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। अब आप जरा ये दलिये का कलर देखिए, बस ये कलर आने तक ही हमें फ्राई करना है। और दलिये का एक एक दाना देखिए कितना खिला खिला है। इसके बाद हमने जो केले रखे थे बारीक काट के, वो इसमें डाल देते हैं। फिर मैंने 1/4 कप मतलब 1/4 कप फ्रेश नारियल के टुकड़े लिए हैं, वो इसमें डाल देती हूँ। केले को हमें बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना है, नारियल के टुकड़े और केले को हम घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हमने जो गुड़ का पानी रखा था वो एक छलनी की मदद से छान के हम इसमें डाल देते हैं। लेकिन सारा पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, पहले मैं ये आधे से ज्यादा पानी इसमें डाल देती हूँ, फिर सारी चीजें अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं ये बचा हुआ पानी भी इसमें डाल देती हूँ। बस एक चीज ध्यान में रखिए कि ये गुड़ का पानी गर्म होना चाहिए। एक उबाल आने पर अब हम इसे ढक कर पकाएंगे, मगर बीच बीच में एक दो बार आप ढक्कन निकाल कर इसे ऊपर नीचे जरूर कर लीजिए।
अब आप देख सकते हैं लापसी ने पूरा पानी एब्सॉर्ब कर लिया है और ये अच्छे से पक भी चुकी है। इसमें मैं थोड़े से किशमिश डाल देती हूँ और ये इलायची के दाने हैं। इलायची पाउडर भी मैं डालूंगी, लेकिन ये दाने भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब ये प्रसाद खाते वक्त जब इलायची का एक आध दाना दांत के नीचे आता है तो उसका स्वाद पूरे मुंह में घुल जाता है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है और वो जो अपना घी बचा था वो भी ऊपर से डाल दिया है। सारी चीजें अच्छे से एक बार मिला लेंगे और अपनी ये स्वादिष्ट रसीली नरम मुलायम लापसी परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये रेसिपी कुछ ऐसी है कि इसको आप प्रसाद की तरह बना सकते हैं। कम घी में बनाएंगे तो नाश्ता हो जाएगा, या खाना खाने के बाद इसे स्वीट डिश की तरह भी खा सकते हो। ये बहुत स्वादिष्ट होती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।